हेलो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गोइंग टू बी अ पर्सनल लाइफ अपडेट वीडियो। आई थिंक मैं काफी टाइम से ऐसा करती आ रही हूँ कि साल में मैं दो बार आपको अपना लाइफ अपडेट वीडियो देती हूँ, एंड इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस बिकॉज जून अब खत्म हो रहा है। आई कांट बिलीव 2023 50% निकल गया है हमारे हाथ से एंड द रेस्ट ऑफ 2023 इज बाकी। सो जून की लास्ट वीडियो इज ऑलवेज गोना बी अ पर्सनल लाइफ अपडेट वीडियो। आज की वीडियो में मैं कोई फेवरेट्स वीडियो या फिर मेकअप करते बात नहीं करना चाहती थी बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपसे बिल्कुल फेस टू फेस मैं कनेक्ट करना चाहती थी एंड बताना चाहती थी कि वॉट आईव बिन अप टू, एंड I have my whole list of things that I want to talk about. Like this list is never ending. So usually aise videos kafi long hoti hain. Grab a snack and without any further ado, let's get started. ऑल राइट, वेयर डू आई स्टार्ट? आई थिंक फिजिकल हेल्थ से स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज ये मेरे पूरे इस साल में सबसे ज्यादा उभर उभर के आया। जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया एक्चुअली मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ 100% इग्नोर की है। आई वॉज कंसर्न अबाउट माई मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग द लॉकडाउन बिकॉज मैं एक बहुत ही डार्क प्लेस में पहुंच गई थी एंड आई न्यू वट आई हैड टू डू फॉर इट। सो 1.5-2 महीने से ना मैं बहुत ज्यादा लो ऑन एनर्जी फील कर रही हूँ, एंड ऐसा 2 साल पहले हुआ था जब आई वेंट फॉर अ फ्यू टेस्ट एंड मेरे गायनेक ने मुझे रिकमेंड किए थे काफी सारे हॉर्मोनल टेस्ट, लाइक एवरी टेस्ट यू कुड इमेजिन मैंने सारे किए थे एंड बहुत ज्यादा गड़बड़ आई थी। लाइक माई टेस्टोस्टेरोन, माई एस्ट्रोजन, माई प्रोलैक्टिन, एवरी टेस्ट रिजल्ट वॉज ऊपर नीचे, या तो बहुत ज्यादा लिमिट से ऊपर था या बिल्कुल कम था, ज्यादातर ज्यादा ही वाली साइड में था। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैं बहुत ज्यादा स्केप्टिकल थी कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं अबाउट पीसीओडी और एंडोमेट्रियोसिस, एंड मैंने धीरे धीरे सिर्फ हार्मोनल इम्बेलेंस बोल के स्टार्ट किया। जब मेरे को आप लोगों से वो सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग मिली तो मैंने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ। एंड सिंस अब मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ जो मेरे पुराने घर से दूर है, आई वॉन्टेड टू चेंज माई गायनेक, आई वॉन्टेड टू चेंज माई डॉक्टर्स बिकॉज दैट थिंग वॉजेंट वर्किंग आउट एंड मेरी हेल्थ मुझे बेटर होती फील नहीं हो रही थी। आई फेल्ट लाइक आई वॉज जस्ट टू डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन, एंड मैं वैसे भी अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही थी, नो एक्सरसाइज, बिकॉज बाकी सारा जो टाइम है या तो मैं कैमरे के सामने बैठी होती हूँ या फिर मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठी होती हूँ। एकदम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया था, एंड एक ऐसा स्टेज आ गया था अभी 1-2 महीने पहले कि बिल्कुल शूट करके एडिट करना भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो रहा था, नॉट मेंटली जस्ट फिजिकली आई फेल्ट सो डाउन। सो आई डिसाइडेड कि इट्स हाई टाइम मुझे एक नए गायनेक के पास जाना चाहिए, फिर से टेस्ट कराने चाहिए एंड एक जनरल फिजिशियन के पास भी जाना चाहिए जस्ट टू नो के मेरे साथ क्या गड़बड़ी हो रही है। सो जो 2 साल पहले टेस्ट हुए थे वही सारे मेरे टेस्ट हुए, एंड आई टोल्ड यू गाइस इन माय लास्ट व्लॉग कि मेरे सारे रिजल्ट सही आए हैं, आई वाज रियली हैप्पी। बट एक चीज बाकी थी, वो था अल्ट्रासाउंड, विच वाज द स्केरियस्ट थिंग। सो लास्ट ईयर मेरा ना लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड हुआ था जिसमें आपकी ओवरीज चेक करते हैं, उसमें सिस्ट वगैरह निकले थे मेरी राइट ओवरी में 10.something cc की वॉल्यूम के थे एंड मेरी लेफ्ट ओवरी वॉज ऑल राइट। बट इस बार अल्ट्रासाउंड में मेरी दोनों ओवरीज में सिस्ट निकले हैं एंड आई एम जस्ट सो डिसअपॉइंटेड, बट ये मेरी करनी है, मैंने अपना ध्यान नहीं रखा है। दिस टाइम मेरी गायनेक ने होल एब्डोमेन का टेस्ट मुझे रिकमेंड किया था एंड वो पूरा ऊपर से नीचे तक होता है, आपको पूरा ब्लैडर फुल करके जाना होता है। एक तो वो बहुत ज्यादा डॉन्टिंग चीज होती है, ऐसा लगता है कभी भी सुसु निकल जाएगा, एंड उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड में भी पेट ऐसे जेल लगा के दबाया जाता है। सो ऐसी सारी चीजें जिनसे मैं इतना ज्यादा अंदर से ऐसे बच्चों की तरह इरिटेट हो जाती हूँ ना कि क्यों करना पड़ रहा है मुझे ये सब, बट उसी टाइम याद आ रहा होता है कि अगर पहले अपना ध्यान रख लेती ना तो ये आज दिन नहीं आता, एंड मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कोस रही थी उस टाइम पे। लेकिन मेरे होल एब्डोमेन के टेस्ट में आई एम नॉट श्योर कि मैं अभी आपको बताऊं कि ना बताऊं, समथिंग हैज हैपेंड मेरे दूसरे ऑर्गन्स में जो गट से रिलेटेड होते हैं, एंड आई एम जस्ट रियली इन शॉक। आई थिंक मैं जब इसके बारे में थोड़ा स्टेप ले लूंगी एंड व्हेन आई फील बेटर या फिर मुझे थोड़े अच्छे रिजल्ट दिखने लगेंगे ना, आई विल फील कंफर्टेबल इन शेयरिंग कि क्या मेरा रिजल्ट निकला था। दैट इज वेरी शॉकिंग, सो आई रियली नीड टू वेक अप, शेक माई सेल्फ अप एंड सी अपने आप से बात करके कि अदिति क्या कर रही है तू, तू पूरी अपनी लाइफ खराब कर रही है, अपनी हेल्थ खराब कर रही है। सो या माय गट हेल्थ एंड माय रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज समथिंग दैट आई रियली नीड टू वर्क ऑन। सो उसके लिए मैंने सोचे हैं सोल्यूशंस बिकॉज आई नेवर वॉन्ट टू शेयर माई प्रॉब्लम्स जस्ट ऐसे ही क्राइंग एंड क्रिबिंग फॉर्म में। आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि मैं क्या उसके लिए स्टेप लेने वाली हूँ, एंड इवन इफ आई फेल यू सी मी इन माई व्लॉग्स फेलिंग एट इट, आई वॉन्ट टू अश्योर यू गाइज एंड मोर देन दैट टू माई सेल्फ कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं ट्राई करती रहूंगी, मैं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने का जरूर ट्राई करूंगी एंड एक ऐसा सस्टेनेबल लाइफ बनाऊंगी जिसमें मैं मजे भी कर सकूं, वो मुझे पसंद है वो खा सकूं, एंजॉय कर सकूं, बट एट द सेम टाइम लाइक 80% ऑफ माय लाइफ शुड बी हेल्दी। तो जैसे मेरे वो टेस्ट रिजल्ट्स आए थे मेरे लिए वो बहुत बड़ा शॉकर था, मैं बैठ के रो रही थी, मेरे मम्मी पापा काफी स्ट्रांग थे बट मैं बहुत रोए जा रही थी उस दिन, पूरी रात में नहीं सोई एंड आई वॉज जस्ट लाइक वाई। बट देन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत हिम्मत दी, एंड मेरी मम्मी के साथ भी ना कुछ साल पहले वो सेम सिचुएशन हुई थी, सो शी नोज के योगा से बहुत ज्यादा हेल्प होती है, एंड तभी मेरी मम्मी ने बोला कि कल से हम योगा स्टार्ट करें, मैंने अब तेरी कुछ नहीं सुननी के टाइम
टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सुबह उठ के चाहे एक घंटा जल्दी उठना पड़े, वी विल डू योगा टुगेदर एंड मैं तेरा पूरा साथ दूंगी, अगर तू हेल्दी खाएगी मैं भी हेल्दी खाऊंगी, अगर तू योगा करेगी एक्सरसाइज करेगी मैं भी तेरे साथ करूंगी, जस्ट सो यू डोंट फील अलोन। आई डोंट नो, उनको अपनी 28 साल की लड़की के लिए ऐसा करना नहीं चाहिए, मुझे खुद अपना ध्यान रखना आना चाहिए, बट इट जस्ट फील्स गुड कि आपका कोई इस जर्नी में साथ दे रहा है। हम कपाल भाती, प्राणायाम वगैरह सब करते हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू सूर्य नमस्कार, वो भी मैं धीरे धीरे सीखूंगी। आई एम लुकिंग फॉर अ योगा इंस्ट्रक्टर, इफ एनी वन आउट देयर वॉन्ट्स टू हेल्प मी आउट वीडियो कॉल पे ही मेरे को योगा सिखाने का, एंड जस्ट फॉर माई ओवरऑल हेल्थ आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर DMs इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे भी कमेंट कर देना, आई वुड रिप्लाई बैक इफ आई एम इंटरेस्टेड। एंड देन मेरी थेरेपिस्ट है ना, मुझे एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट का कॉन्टैक्ट मिला है, शी इज नॉट अ डाइटिशियन, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, जो मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन ऐड करेगी, मेरे को वैसे टाइप की रेसिपीज देंगी जिससे मेरी बॉडी में जो लैक कर रहा है, इवन इफ माई स्किन इज डल या फिर मेरे हेयर फॉल हो रही है, मेरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, गट हेल्थ, लाइक ओवरऑल जो भी मेरे अंदर कमी हो रही है वो न्यूट्रिशन मुझे प्रोवाइड करेगी। द मेन गोल इज नॉट वेट लॉस एट ऑल, इट्स लाइक मेरी बॉडी में जो कमी हो रही है उसको भरना। मेरी कंडीशन निकली है ना वो होल एब्डोमेन टेस्ट से, आई फील लाइक वो 2-3 महीने में रिवर्स कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ओनली अभी फर्स्ट लेवल पे है, वो सेकंड या थर्ड ग्रेड पे नहीं पहुंची है। मोर फिजिकल हेल्थ थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज माय नमनेस एंड विजडम टूथ इशू। आई मेड दिस होल ब्लॉग एंड उसके बाद मैंने आप लोगों को ठीक से अपडेट नहीं किया, एंड आई डिडंट वांट टू, बिकॉज मैं क्या हर महीने हर हफ्ते बताती जाऊं कि वही है सिचुएशन, वही है सिचुएशन, बट एक महीने पहले मैंने रियलाइज किया, लाइक आई वॉज लाफिंग एंड एवरीथिंग एंड द सेंसेशन आई कुड फील इट, लाइक बहुत 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 बेटर हो गया मेरा यहाँ लोअर लिप, बट आई एम एबल टू फील नॉर्मल, क्योंकि पहले जब मैं वीडियोज कर रही थी ना मेरे को फील होता था, लाइक लिटरली आई हैव फुटेज ऑफ टाइम्स वेन आई वुड स्पीक एंड मुझसे फ प ये वाली चीज़ें जिनमें ज़्यादा जोर लगाना होता है ना लिप्स पे, वो नहीं बोली जाती थी एंड मैं फंबल करने लगती थी बीच में बोलते बोलते, मेरे को वॉइस ओवर्स में प्रॉब्लम होती थी। देर आर सो मेनी टाइम्स जब मैं वीडियो करते करते ऐसे ब्रेक डाउन हो रही थी बिकॉज मेरे से बोला नहीं जा रहा था यार, एंड मेरा बोलना ही कैमरे के सामने काम है। सो इट वॉज क्वाइट डिसहार्टनिंग, डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, लाइक मैं सारे इमोशंस अपने लेट आउट करना चाहती थी कि मैं क्या क्या फील कर रही थी उस टाइम पे, बट आई वॉज लाइक अब कर क्या सकते हैं, हो गया जो हो गया है, अभी दवाई ले सकते हैं। नाउ आई कैन फाइनली से दैट मेरे लिप की जो सेंसेशन है आई फील लाइक इट इज बैक बाय 50-60% तो वापस आ गई है, मुझे फील होता है अगर मैं अब यहाँ पे हाथ लगाती हूँ तो। एंड वेरी फनी थिंग, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा रब करूँ ना मुझे अपने लोअर लिप के ऊपर गुदगुदी होती है, एंड यार दैट इज समथिंग जिसके साथ जीना सीखना पड़ता है। अगर आपके साथ कोई भी ऐसे मेडिकल मिसहैप्स हो जाए और किसी की भी नेग्लिजेंस, अगर आपकी नेग्लिजेंस है कि आप इतने टाइम बाद गए जब इतना आपका मामला वर्स हो गया, या फिर डॉक्टर की नेग्लिजेंस है, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन, किसी की भी गलती हो चाहे संसार में, अगर आपके साथ एक चीज़ हो गई है सो यू हैव टू थिंक के ओके आई हैव टू फर्स्टली एक्सेप्टेड एंड देन सी के अब मैं क्या कर सकती हूँ उसको ठीक करने के लिए, एंड जब तक वो ठीक नहीं होता है हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ मेंटली स्ट्रांग कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर पाऊँ और इसे डील कर पाऊँ ऑन अ रेगुलर डे टू डे बेसिस, बिकॉज माई जॉब इज कनेक्टेड टू स्पीकिंग। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नमनेस ठीक हो रही है, ये धीरे धीरे ही आती है, कुछ लोगों को 2 साल तक लगते हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी कि 50-60% ये वापस आ गई है एंड आई एम एबल टू स्पीक प्रॉपरली, अब मेरा मुंह टेढ़ा नहीं होता है, एंड मैं बहुत मतलब भगवान का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मेरे साथ उतना वर्स नहीं हुआ। ये वाली जो साइड है अभी भी मेरे ऊपर नीचे 2 विजडम टूथ बाकी है, एंड आई फील लाइक मेरा अभी बर्थडे मंथ है जुलाई, उसके बाद मैं ये निकलवा लूंगी, अनलेस मेरे को फिर से जुलाई में ही दर्द हो जाए तो मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, बट आई एम होपिंग एंड प्रेइंग टू गॉड के अगस्त में मैं ये सारा ठीक करा लूंगी। ये वाला नर्व के और पास है, सो आई एम लाइक नाउ आई थिंक 90-80% श्योर कि ये वाला भी सेम यही केस होगा, एंड दैट इज वाई आई वॉज वेटिंग कि अगर इसकी सेंसेशन थोड़ी वापस आ जाए तब मैं इसका कराऊं, कि अगर इस साइड फिर से नमनेस हो जाती है तो एटलीस्ट आई एम एबल टू स्पीक विद दिस साइड। लेट्स मूव ऑन टू मेंटल हेल्थ नाउ। सो इस ईयर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, आई थिंक मैंने आपको बताया, सॉरी मैं ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, मैंने आपको आई थिंक बताया था कि मैं बीच में ऑन एंड ऑफ थेरेपी लेती रहती हूँ, मेरे साथ ये काफ़ी होता है कि बीच में आई फील बेटर एंड मैं थेरेपी छोड़ देती हूँ, बिकॉज आई एम लाइक यार थोड़ा सा खुद से भी सर्वाइव करना आना चाहिए, कहीं मैं ज़्यादा ही अपने थेरेपिस्ट पर डिपेंड ना हो जाऊँ, आई वॉन्ट टू बी एबल टू सॉल्व माई ओन प्रॉब्लम। बट दिसंबर में मैंने उनको कॉन्टैक्ट फिर से किया था, एंड जान के शुरुआत में आई स्टार्टेड माई रेगुलर सेशन, एंड तब से लेकर अब तक मैंने थेरेपी नहीं छोड़ी है, मैं रेगुलरली हर वीक एक सेशन जरूर लेती हूँ 1-1.5 घंटे का। सो जब जान में मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया था ना, I was feeling very low, like बिल्कुल एक अलग सी फीलिंग हो रही थी, इट्स नॉट आई कांट एक्सप्लेन इट, अब मैं पूरा ऐसे लिस्ट नहीं बताऊंगी, बट वट एवर आई डिस्कस्ड विद माई थेरेपिस्ट शी सेड यू आर शोइंग सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, एंड दैट वॉज अगेन अ वेरी बिग शॉक फॉर मी, बिकॉज आई डोंट नो, मेरे लिए कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी वगैरह टैबू नहीं है, बट आई नो इफ आई फॉल इन टू दिस इट विल बी अ वेरी हार्ड जर्नी एंड वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर मी, क्योंकि अभी मेरे को क्लिनिकली डायग्नोज नहीं किया था ना, सो आई जस्ट श्रग्ड इट ऑफ कि नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं है, मैं वापस आना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल अपना जो भी करने की मेरी इच्छा मर गई थी वो मैं फिर से करना चाहती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी एबल टू डू स्मॉल थिंग्स या बिग थिंग्स
थिंग्स जिससे मेरे को हैप्पीनेस मिले. सो मी एंड माय थेरेपिस्ट केम अप विद दिस प्लान ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर बॉदरिंग मी, एवरीथिंग, लाइक छोटी से छोटी चीज हो सकती है घर की, या फिर बड़ी से बड़ी चीज हो सकती है मेरे करियर रिलेटेड, या एनीथिंग इन लाइफ. एंड हमने सोचा कि एक पॉइंट को ही हम पूरा महीना डेढ़ महीना तक डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, उसकी जड़ तक पहुंचेंगे. बिकॉज हमने सरफेस लेवल से हटाने का बहुत ट्राई कर लिया, उन्होंने मुझे बहुत एडवाइस दे दी, एंड बहुत लोगों के लिए जो एडवाइस होती है शुरू शुरू की वो काम कर जाती है, बट वेन योर इश्यूज आर डीप रूटेड तब उसको बिल्कुल अंदर से खुरेद के, बोलते हैं ना, एकदम जड़ से निकालना पड़ता है. एंड आई हैड मेनी इश्यूज लाइक दैट. सो हमने सोचा कि ठीक है, अब हमने ऊपर ऊपर वाली चीजें ट्राई कर ली, दिस इज नॉट हेल्पिंग, हमको जड़ से ही चीजों को निकालना पड़ेगा. मैंने बहुत मेहनत करके अपना ये एंड्योरेंस माइंड का बढ़ाया है कि मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए सर्टन चीजों से, या फिर अगर मुझे फर्क पड़ता भी है तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूं एंड आई अलाउ माई सेल्फ टू फील सर्टन थिंग्स. मेरे बहुत ज्यादा रिप्रेस्ड इमोशन थे बिकॉज मैं इतनी ज्यादा वर्कहोलिक हूँ एंड आई एम वेरी हाई फंक्शनिंग इन दैट वे कि अगर मेरी जिंदगी में कोई दुख भी आता ना, मैं अपने दिमाग को ना डाइवर्ट कर लेती हूँ काम से. लाइक काम में मेरे को थोड़ी खुशी मिल जाती है, या फिर कुछ अचीव होता है कि वीडियो चली गई, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तो मैं उसमें खुशी ढूंढ लेती हूँ. वाइल दैट इज ऑल गुड, इट इज नॉट द मोस्ट हेल्थीएस्ट वे टू डील विद योर इमोशंस. सो अभी मई जून जब से आया है, आई कैन फाइनली से दैट आई स्टार्टेड फीलिंग हैप्पियर, मोर कंटेंट, मोर कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ. जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ. सो नाउ आई फील लाइक आई रीच्ड अ पॉइंट इन माई लाइफ वेयर देयर इज नथिंग दैट वन कैन से जो मुझे अंदर तक ठेस पहुँचाए, अंदर तक यू नो चुप जाए, या मैं रोने लग जाऊँ. लाइक आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ, मैं जब मैंने लॉकडाउन में एक वीडियो की थी रिएक्टिंग टू हेट कॉमेंट्स, तो उसमें मेरे को बहुत लोगों ने गालियाँ दी थी. बहुत लोग बॉडी शेम तो करते हैं, वो तो अभी तक पूरी प्रथा चली आ रही है, दैट इज नो बिग डील. बट उस टाइम पे एक कॉमेंट आया था जिसमें किसी ने मेरे को पागल की बहन लिखा था, एंड उस टाइम मुझे लगा नहीं था मैं उसे इफेक्ट हूँ, उस टाइम भी नहीं लगा था, बट पढ़ के व्हेन योर इमोशंस आर हाइटेंड एंड यू आर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, थोड़े आंसू आंसू निकल गए थे, थोड़ा रोना आ गया था, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू प्रूव दैट नहीं, आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर, मेरे को कोई इस चीज की शर्म नहीं है. एंड आई वॉज लाइक हाउ डेयर यू से समथिंग लाइक दैट. एंड ऐसा ही कमेंट आई नो के जो मेरे स्टॉकर्स है ना, वो मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, एंड कुछ कुछ ऐसे हेटर्स होते हैं जो कि आपको पसंद नहीं करेंगे बट आपकी हर चीज देखेंगे, एंड दे नो कि आपकी दुखती रख क्या है. उन्होंने देखा हुआ है कि आप 2 साल पहले एक वीडियो के इस सेंटेंस पे रोई थी, तो आज भी आके वही बोलते हैं. सो वन थिंग दैट रिसेंटली हैपेंड वाज कि मैं सुबह उठी एंड मैं अपने कमेंट्स चेक कर रही थी, तो उसमें किसी फेक आईडी, आई थिंक उनका इंस्टाग्राम हैंडल था anti.nepotism करके, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड इंसान थे वो जो भी थे. एंड आई फाउंड आउट कि वो मुझे 2021 से फॉलो कर रहे हैं, एंड 2021 से मेरी स्टोरी पे गंदे गंदे रिएक्शंस दे रहे हैं कि मर जा तू, तू तो बंदरिया है, तू तो मोटी भैंस है, दूध कब देगी, ऐसे अजीब अजीब से कमेंट्स थे. एंड उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ था मेरे कमेंट पे पोस्ट करके, बिकॉज मैं डीएम्स पे रिप्लाई नहीं कर रही थी, आई डोंट हैव टाइम टू रिप्लाई टू दिस बुलशिट कॉमेंट. सो उन्होंने मेरे को लिख दिया पागल की बहन, एंड इट जस्ट रियली डिडंट इफेक्ट मी, एंड दैट इज व्हेन आई न्यू के ओके आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन. बट आई मेड इट अ पॉइंट टू शेयर इट ऑन माय स्टोरी बिकॉज आई वांटेड टू कॉल दैट बिहेवियर आउट. सोशल मीडिया मैं 7 साल से कर रही हूँ, 7 साल पहले भी मेरी 20-21 साल की लाइफ थी जो सोशल मीडिया पे नहीं है. एंड रवि के साथ मैंने बहुत लंबी लाइफ जी है, मेरी पूरी फैमिली ने, एंड हमने बाहर के लोगों से, स्ट्रेंजर्स से, रिश्तेदारों से ऐसी ऐसी बातें सुनी है कि ये जो पागल की बहन बोल के चले गए ना, वो कुछ नहीं है उसके सामने. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस, दैट देयर इज नथिंग दैट एनीवन कैन से दैट कैन इफेक्ट मी, बिकॉज मैंने उससे वर्स सिचुएशन लाइफ में झेली हुई है, देखी हुई है, हैंडल की हुई है. सो ये जो लोग होते हैं, आई डोंट नो उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, वो खुश है या दुखी है या क्या है, बट दे आर समहाउ कंपेल्ड टू कमेंट अंडर समवन टू मेक देम फील बैड, बट दे डोंट रियलाइज के इससे भी ज्यादा वर्स सिचुएशन किसी बंदे ने देखी हो सकती है. सो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं या तो बिहेवियर कॉल आउट करूंगी अगर आई एम इन अ फनी मूड, बिकॉज मुझे आज फर्क नहीं पड़ रहा है, बट मेरे जैसी कोई और यूट्यूबर जिनके घर में कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन हो, उनको कोई कुछ बोलना चाहे एंड वो इतनी ज्यादा मेंटली स्ट्रांग ना हो, तो उनका क्या हाल होगा. आई ऑल्सो नो कि उस टाइम कैसा लगता है जब आपकी कोई दुखती रख को छेड़ जाए. सो आई जस्ट डोंट वॉन्ट कि ये बिहेवियर ओके हो सोसाइटी में. अगर आपने मुझे बोला और मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, तब भी मैं वो बिहेवियर कॉल आउट जरूर करूंगी, अगर वो बिल्कुल ही अजीब सा बिहेवियर है एंड इट्स नॉट नॉर्मल एट ऑल. एंड जस्ट टू कॉल माई लिटिल ब्रदर लाइक रवि, उसने क्या बिगाड़ा है किसी का, उसको आप पागल बोल रहे हो, मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में कि मुझे पागल की बहन बोलना है, आप उसको क्यों पागल बोल रहे हो. बट आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर, एंड अगर मैं प्राउड नहीं होती, मैं कभी उसको अपने चैनल पर नहीं दिखाती. आई हैव बीन थ्रू अ फेज जब रवि नया नया पैदा हुआ था एंड मेरे नानी नाना के साइड बिल्कुल बताना ही नहीं चाहते थे अपनी रिश्तेदारी में कि रवि एक स्पेशल बच्चा है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. एंड देन ऑल्सो माई मॉम एंड डैड वर लाइक वाई डोंट यू वॉन्ट टू टेल इट टू द वर्ल्ड, लाइक हमको शर्म नहीं आती अपने बच्चे से, आपको क्यों आ रही है. क्योंकि मेरी परवरिश इतने स्ट्रांग माइंडेड पेरेंट्स से हुई है ना, तो मैं भी बिल्कुल कोई शर्म फील नहीं करती, उसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है. दे आर स्पेशल पीपल, उनको भगवान ने हम लोगों से और ज्यादा स्पेशल बना के भेजा है, एंड दे ऐड सो
मच जॉय इन आर लाइफ. आई कांट इवन टेल यू, जब रवि अच्छे मूड में होता है, जब वो हंसता है, उससे प्यारा बच्चा इस दुनिया में कोई नहीं है. मेरा दिल ऐसे भर आता है जब मैं उसको हंसते हुए, उसकी हंसी देखती हूँ, उसको खुश देखती हूँ अपने फन स्कूल से खेलते हुए, या फिर कभी कभी ऐसे गाने गाते हुए. वो जब अच्छे मूड में होता है, वो इतना ज़्यादा प्यारा बच्चा होता है ना, मैं बता नहीं सकती. एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू शेयर दीज हैप्पी मोमेंट्स विद यू गाइज. आने के बाद क्योंकि मैंने अपने डॉक्टर्स भी चेंज किए ना, तो हमने रवि का भी डॉक्टर चेंज किया. उसके बीच में ऑन एंड ऑफ मेडिकेशन चल रही थी एंड होम्योपैथी हम करा रहे थे, बट उससे ना कुछ हो नहीं रहा था. टू बी रियली ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड इतना टाइम एंड पेशेंस रवि के पास है नहीं. वो तब तक मुक्का मार के अपना सारा खून निकाल लेता है एंड वी आर वेरी स्केयर्ड कि कभी कोई ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन ना हो जाए कि उसको हॉस्पिटल रश करना पड़े, बिकॉज ही डजंट नो द मैग्नीट्यूड किस जोर से वो मार रहा है अपने आप को, बिकॉज वो स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ भी डील करते हैं. एंड उन्होंने वीक बाय वीक दवाई का रवि का कोर्स स्टार्ट किया. सो उन्होंने ऐसी दवाई दी है कि उनके पास पर वीक रिपोर्ट करना होता है कि इस वाली दवाई के कॉम्बिनेशन ने कैसा असर किया, इफ ही वॉज वायलेंट और नॉट, इफ ही स्लीपिंग प्रॉपरली, वॉट आर हिज स्लीपिंग पैटर्न. ये सारी चीज़ें हमें उनको रिपोर्ट बैक करनी होती है पर वीक. एंड वो अलग अलग दवाइयों के ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं. सो शुरू में बहुत बहुत वियर्ड था, बिकॉज हम उनके पास गए ही इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना रवि का वायलेंट बहुत बढ़ गया था. जब भी उसकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज होता है ना, वी ऑलवेज सी दिस के वो अजीब सा, उसका बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट हो जाता है. लाइक वन डे ही इज वन पर्सन एंड अनदर डे वो बिल्कुल एकदम अलग पर्सन चेंज हो जाता है. सो जब भी हमने शिफ्ट किया है कहीं ना कहीं, तो रवि के साथ ये हमेशा हुआ है. एंड इस घर में आने के बाद भी उसका वॉयलेंस फैक्टर बहुत बढ़ गया था, टू द पॉइंट दैट वो मम्मी को, पापा को, हमारे घर में जो हाउस हेल्पर्स हैं, मेड्स हैं, दिवाकर है, उन सबको मारने लगा था मुक्के. एंड उन लोगों को ऐसे नील पड़ रहे थे बिकॉज रवि का हाथ बहुत भारी है. एंड उसका ये नहीं होता कि वो गुस्से से आपके पास आएगा, वो आपके पास हंसते हुए आएगा और एकदम से उसका मूड चेंज हो जाएगा, वो आपको मार देगा. एंड वो खुद के साथ भी ऐसा करता है, अपने आप को भी उतने ही पावर से मारता है. सो इट्स वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन. एंड एक और चीज जो आगे जाके जब अडल्ट हो जाते हैं ना ऐसे बच्चे, तो उनमें देखी जाती है कि उनके मुंह में सलाइवा बहुत बनता है एंड देन दे स्टार्ट स्पिटिंग एवरीवेयर. तो वो घर में कहीं पे भी थूक देता है. एंड आई एम शेयरिंग दिस वेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद यू गाइज बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू नॉर्मलाइज दीज थिंग्स. लोगों के घर में ऐसे बहुत बच्चे या फिर फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनके घर में ये एक नॉर्मल चीज है. इट्स नॉट अबनॉर्मल टू मी एंड इट शुडंट बी अबनॉर्मल टू एनीवन. अगर आप किसी के घर जाओ, यू शुड हैव दैट बेसिक रिस्पेक्ट एंड कॉमन सेंस कि आप ऐसी चीज को ज्यादा लोगों को बोल के फील ना कराओ. बिकॉज हमारे घर में कोई आता था पहले, मैंने बहुत बचपन में देखा है कि वो पॉइंट कर करके वो चीज को ना लोगों को ही गिल्टी फील करा देते कि तुम्हारा बच्चा ऐसा या ये क्या हो रहा है, तुम इसको रोकते क्यों नहीं. लाइक ट्रस्ट मी, द पीपल हु आर रिलेटेड टू चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. एंड उनको इतना बार बोलना एंड हर चीज पे उनके पिन पॉइंट करना, कॉल आउट करना एंड हर चीज पे डाउट क्रिएट करना इज सो टॉक्सिक एंड इट्स सो डिसरिस्पेक्टफुल. अनलेस यू आर इन दैट सिचुएशन, किसी को नहीं पता कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो इमीडिएट क्लोज सर्कल है, वो कैसे उस सिचुएशन से डील कर रहा है. वुड लाइक टच वुड, रवि बहुत अच्छा कर रहा है एंड आई एम सो 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 हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड कि रवि सीरियसली ही इज बीन सो मच बेटर. लाइक शुरू में जो दवाइयां थी वो काफी उसको शांत करने के लिए थी, तो वो पूरा पूरा टाइम सोता रहता था. उनकी डोजेज बहुत कम हो गई है एंड नाउ ही इज लिविंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन. ही स्माइल्स, ही इज कॉर्डियल, ही डजंट हिट यूजुअली. लाइक महीने में एक दो बार फिर भी किसी को मुक्का पड़ जाता है. फिर ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है ना, बहुत ज्यादा ही दवाइयों पे, जब हैवी डोजेज पे डिपेंडेंट हो जाता है, बिकॉज मैंने अपने चाचू के साथ ये देखा है, मेरे पापा के भाई भी ऐसे ही थे. तो उनको बड़े होके लाइक बाय द एज ऑफ 30-40 फिट्स पड़ने लगते हैं एंड मुंह से झाग निकलने लगता है. बचपन में मेरे लिए दिस वॉज सच अ कॉमन सीन, मेरी दादी को और चाचू को फिट्स पड़ते देखना. उस टाइम पापा और दिवाकर उनको संभाल रहे होते थे, होश में ला रहे होते थे, डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कर रहे होते थे. सो एज अ 5-6-7 ईयर ओल्ड चाइल्ड मैंने यही देखा है, लोगों को अपने सामने फिट्स पड़ते हुए, हिलते हुए एंड वो सब वो सारे नजारे मेरे सामने आते हैं. एंड दैट इज वाई इट्स वेरी नॉर्मल टू मी. आई वॉन्ट टू स्टे इन्वॉल्व इन दिस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट के रवि को फिट्स पड़े एंड आई डोंट वॉन्ट के वो एक अनकंट्रोलेबल स्टेज पे पहुंच जाए. दिस आर ऑल द लाइफ अपडेट्स आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी, मेरे फ्यूचर प्लान्स में थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई रूट्स. लाइक आई वॉन्ट द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, बट आई डोंट वॉन्ट टू प्रमोट समथिंग और समवन दैट आई एम नॉट. इवन इफ आई एम एट इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ जब मुझे मीशो का कोई हॉल करना है या फिर अमेजोन के प्रोडक्ट्स आप लोगों को रिकमेंड करने हैं, आई वुड डू दैट. पहले मैंने बीच में ना हॉल करने बहुत ज्यादा बंद कर दिए थे बिकॉज आई वॉज जस्ट लाइक कि ओवर कंजम्पशन ज्यादा ही मैं प्रमोट कर रही हूँ एंड आई डू कीप दैट इन माइंड समहाउ. बट कुछ कुछ महीने ऐसे आते हैं वेयर आई एम लाइक ठीक है, कुछ चीजें अब मैं आके आप लोगों को रिकमेंड कर सकती हूँ. फिर मैं बैक चली जाती हूँ कि ठीक है अब इतने हॉल नहीं करेंगे बिकॉज मैं नहीं चाहती कि लोगों के भी इतने पैसे खर्चो एंड मेरे चैनल से वैसी वाइब आए कि बस शॉपिंग 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 ये और कुछ नहीं है. सो मैं बीच में ब्रेक लेती हूँ, फिर वहीं पर आ जाती हूँ अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगता है एंड फिर ब्रेक लेती हूँ, फिर वैसे आ जाती हूँ. सो आई ट्राई टू कीप दैट बैलेंस अलाइव. बट आई फील लाइक आई वॉन्ट टू स्टे ऑथेंटिक टू माई सेल्फ. लाइक आई लाइक शॉपिंग, आई लाइक फाइंडिंग थिंग्स जो
दूसरों की हेल्प कर सके. आई लाइक फाइंडिंग चीप स्टफ एज वेल एज आई लाइक लग्जरी. एंड क्योंकि मैं अब लाइफ के उस पड़ाव पे हूँ कि मैं ऐसी चीजें अफोर्ड कर सकती हूँ जो मैं अब आई थिंक मैं कुछ साल पहले सोच ही नहीं सकती थी कि मैं 7 जन्मों में ऐसी चीजें ले पाऊंगी. तो मुझे लगता है कि वाई नॉट गिव दैट टू माई सेल्फ. एंड थेरेपी लेके ना मैं एक चीज तो बहुत अच्छी तरह जान गई हूँ कि लोग वही आपकी वीडियो से लेंगे जो उनके अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा एंड जो उनके अंदर वो फील कर रहे होंगे. लाइक अगर आपने बहुत ही एक पॉजिटिव वीडियो बनाई हो, उसमें कोई चीज आपने हल्की सी गड़बड़ बोल दी हो, एक बंदा होगा जो उसी चीज को लेके बैठ जाएगा और उसी के ऊपर कमेंट करेगा, आपको स्टूपिड कॉल करेगा, आपको रूड कॉल करेगा. एंड बाकी के कितने सारे बंदे होंगे जो उन अच्छी और पॉजिटिव चीज को लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे. So it just really depends on where that person is mentally, emotionally in their life. It doesn't really have to do a lot with me. क्योंकि मैं हमेशा से ऑथेंटिक रही हूँ. मैंने अपनी ऑर्गेनिक जर्नी दिखाई है. आप लोगों ने मुझे उस हाउस में देखा था जहाँ पे सीलन थी, साइड में नाला था, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही थी. उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जैसे जैसे मेरे को कोलैब्स मिलती गई, जैसे जैसे मैं अपने करियर में, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा सोशल मीडिया करियर आगे बढ़ता गया, वैसे हमने कैसे एक रेंटेड हाउस से दूसरा रेंटेड हाउस अफोर्ड किया. इट वॉज नॉट ओवर नाइट कि मैं यहाँ सीलन वाली दीवार से सीधा इस घर में आ गई जहाँ पे मैं बहुत फैंसी एंड बूजी फील कर रही हूँ. यू गाइस हैव सीन दैट ऑर्गेनिक जर्नी कि एक रेंटेड हाउस से दूसरे रेंटेड हाउस में जाना क्या होता है, फिर थोड़े और पैसे कलेक्ट करके अपनी कार लेना क्या होता है, फिर थोड़ी और परचेजेस करके अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कलेक्ट करके अपना सिबिल स्कोर बनाना क्या होता है. इफ यू वांट टू बाय अ हाउस ऑफ योर ओन, आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी इनकम एक सर्टेन रेंज से ऊपर होनी चाहिए ताकि आप अपना ITR गवर्नमेंट को और बैंक वालों को दिखा सको कि आई अर्न दिस मच एंड मेरा इनकम टैक्स रिटर्न इतना है, मैं इतना टैक्स पे करती हूँ पूरे साल. अगर आप एज अ यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हो, सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड कि आपकी कंपनी नेम रजिस्टर्ड हो GST के अंडर. सो ऑल दीज थिंग्स आई डिड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, FDs, SIPs, RDs, इतना सब कर करके कुछ इन्वेस्टमेंट करके वो थोड़ा बड़ा उसको बेच दिया. ये सारी चीजें मैंने अपने पापा मम्मी के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करके 2020 में एक सपना देखा था कि मे बी आई कैन अफोर्ड अ हाउस नाउ. एंड उस टाइम भी बहुत हमारे बजट से ट्रिपल रेट्स थे जो मैं बजट लेके चल रही थी. बट फाइनली 2022 में हमने हाउस बाय किया एंड 2023 में आज मैं इस घर में बैठी हुई हूँ. अगेन कमिंग बैक टू माई पॉइंट कि जो बंदा जिस सिचुएशन में है वो उसी टाइप से आपके कॉन्टेंट में से चीजें उठाएगा और उसी पर रिएक्ट करेगा, उसी से एंगेज करेगा. अगर आप लोगों ने मेरी ऑर्गेनिक जर्नी देखी है तो बहुत सारे आप लोग हो जो उस जर्नी को पकड़ के बैठे हैं और उस जर्नी के बारे में बात करते हैं. वो कभी नहीं भूलते कि अगर आज ये लड़की लुई विटों का बैग ले रही है तो उसके पीछे उसने अपना फ्यूचर सिक्योर किया हुआ है. एंड उसी सेम सिचुएशन से अगर कोई नेगेटिव माइंडसेट वाला बंदा होगा जो अपनी लाइफ में थोड़ा दुखी होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, या फिर जस्ट आउट ऑफ स्पाइट और जेलसी वो ये निकालेगा कि मतलब पैसे वेस्ट कर रही है, इतना बैग की क्या जरूरत है, 500 रुपए के बैग आ जाते हैं, ये वो, इसने तो पैसे वेस्ट कर दिए. बट दे डोंट सी कि मैंने पैसे कहां कहां इन्वेस्ट किए हैं, उसके बावजूद मेरे पास आज इतनी सेविंग है कि मैं ये चीज, महंगी चीज अपनी खुशी के लिए ले पा रही हूँ. आई नो इट्स नॉट अ नीड इन लाइफ बट आई वॉन्ट इट. मैं अपने ऊपर उड़ाऊ, मैं गिव अवे के ऊपर उड़ाऊ, मैं बहुत सारे गिव अवेज भी करती हूँ सो दैट यू गाइज डोंट फील लाइक ये तो बस लग्जरी वाली लाइफ जी रही है. आई ट्राई टू मेक द मोस्ट लग्जूरियस गिव अवेज एंड ये मैं दिल से करना चाहती हूँ. बट आजकल स्कैमर्स इतने हो गए हैं यूट्यूब पे. लाइक आज की वीडियो के नीचे भी कोई कॉमेंट आ जाएगा, वो टेलीग्राम वाले जो आ जाते हैं ना, अजीब से चोर लोग नीचे लिखने मेरी ID के नाम से बना के एंड लोगों से चैट कर रहे हैं कि ओ मैं क्वर्की मिसी हूँ, यू नो मैंने इतने सालों से मेहनत करके मैंने अपना नाम बनाया है तो मैं अपना नाम क्यों खराब करूंगी ऐसे फेक गिव अवेज करके. ट्रस्ट मी आप इसको कॉन्टैक्ट करो, वहां से आपको OTP आएगा. प्लीज डोंट गेट स्कैम. आई एम अनाउंसिंग, आई एम नॉट ऑन टेलीग्राम एंड दैट इज व्हाई आई हैव नाउ केप्ट माय गिव अवेज प्राइवेट. मैं अनाउंस करती हूँ बट जो विनर होता है उसको मैं अपनी रियल ID से ही कॉन्टैक्ट करती हूँ. जिस बंदे ने अपनी लाइफ में पेरेंट्स को एक एक्सट्रीम लेवल की डिसअपॉइंटमेंट दी हो, अपने पेरेंट्स की आंखों में शर्म देखी हो ना, तो उसको एक रियलाइजेशन होती है, उसको इम्पॉर्टेंस होती है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की. सो मैं उस रिस्पेक्ट को क्रेव करती हूँ. मैं क्रेव करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड फील करें. मैं अपने फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल डिसीजंस कैसे भी लूँ, वो ऐसे नहीं होंगे जो मेरे माँ बाप को मेरे पे कभी भी शर्मिंदा लाइफ में कभी भी फील करेंगे. आई नेवर वॉन्ट टू डिसअपॉइंट माई पेरेंट्स. आई नेवर वॉन्ट टू मेक देम फील एनी काइंड ऑफ शेम विच इज रिलेटेड टू मी. मेरे लिए उनकी आंखों में प्यार के साथ साथ इज्जत भी है. सो आई एम जस्ट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, मीटिंग न्यू पीपल एंड वर्किंग विद न्यू ब्रांड्स. बहुत अच्छी अच्छी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज अब साल के एंड तक आपको दिखेंगी कि क्या क्या आ रही है मेरी वे में. आई ऑलवेज से कि अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, यू हैव टू लिव लाइक दैट पर्सन कि आपके साथ वो एक्चुअली हो चुका है एंड यू हैव टू प्रैक्टिकली डू द वर्क टू गेट देयर. ऐसे नहीं कि बस हाथ जोड़ के हाँ जी भगवान जी ये करा देना, आप ध्यान रखना आप कुछ नहीं हो सकता. बट लाइफ में कुछ विशेज होती हैं जो कि बहुत जल्दी पूरी हो जाती है बिकॉज आप उनके लिए एक्टिवली काम करते हो. एंड कुछ चीजें होती है जिनका आप पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, चाहे आप कितना भी एक्टिवली काम करो. वन ऑफ देम वॉज
was blue tick getting verified on Instagram. I know बहुत सारे लोग अभी verify हो रहे हैं. Now I don't know what's the situation के people are buying it or they are authentically getting it. मैं बहुत सारी ना आजकल internet पे debate देख रही हूँ about buy क्यों कर रहे हैं, 699 वाला feature क्यों निकाला जो authentically अपनी मेहनत से verify हुए थे और जो 699 पे हो रहे हैं उनमें कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा. But ये थोड़ा ना ऐसे class system मुझे लगता है. I feel like ये सारी आवाजें कहाँ थी जब third parties and बहुत सारी PR companies डेढ़ दो दो ढाई ढाई लाख लेके लोगों को blue tick buy करके दे रही थी just because they had contact in Meta और Instagram और Facebook. Like don't you know what I'm talking about? ये सबको पता है but कोई इसके बारे में बात नहीं करता है. I have been approached by 15 different companies कि हम आपको blue tick पक्का लाके देंगे, just give us some amount of money, कोई token money दे दो, 1.5 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, हम आपके सारे articles publish करा देंगे because you need to be a well-known person. And I can now proudly say कि मेरे ऊपर आज तक जितने भी article लिखे गए हैं आप जाके उस company के ऊंचे से ऊंचे person से पूछ सकते हो जाके, एंड आप कहीं से भी लाइक मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकते हो. आई नो दैट आज तक मेरे ऊपर जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो सारे ऑथेंटिक हैं. मैं किसी के पास अपनी स्टोरी लेके नहीं गई हूँ कि यू नो मेरे लिए प्लीज छाप दो बिकॉज मुझे ब्लू टिक चाहिए, मुझे रिकग्निशन चाहिए. ये वाली जो चीज़ें होती है, सक्सेस होती है या फिर लोगों की आई बॉल्स होती है, अटेंशन होती है ना, ये आप अपने काम से कमाते हो. कभी भी आप पैसे से नहीं कमा सकते सारी चीज़ें जस्ट बिकॉज यू हैव अ सम ऑफ मनी. मेरे पास 1.5 लाख देने को 3 साल पहले से पड़ा था बट मैंने नहीं दिया बिकॉज आई डिडंट वॉन्ट कि मैं ये बाय करूँ. बहुत बार मेरे मन में सवाल आए ऐसे कि मैं क्यों नहीं ले रही, मे बी इतने पैसे से हो जाएगा, एक इज्जत बढ़ेगी, एक वो स्टेटस सिंबल आएगा, बट आई रियली वॉन्टेड टू गेट दैट ऑथेंटिकली और वो मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है. आई डोंट नो कि मेटा को या इंस्टाग्राम को मेरे से क्या प्रॉब्लम है या फिर दे डोंट इवन केयर अबाउट मी. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड आई एम नॉट इवन सॉल्टी अबाउट इट. देर वॉज अ टाइम आई वॉज वेरी अग्रेसिव एंड सॉल्टी अबाउट इट कि यार सबको मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, मैं क्या मेहनत कोई कम कर रही हूँ या फिर मेरे क्या एफर्ट में कमी है या फिर मेरा कॉन्टेंट उस इज्जत के लायक नहीं है. सो अपने अंदर बहुत सारे सेल्फ डाउट होते हैं बट सिंस टेकिंग थेरेपी आई रियलाइज दैट व्हाट आई एम डूइंग इज ऑल राइट एंड देर विल बी सर्टन थिंग्स इन लाइफ जो आपके कंट्रोल से बाहर होगी एंड देर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई इन्फ्लुएंसर फ्रेंड, ये किसी को शेड थ्रो कर रही है. ट्रस्ट मी यू गाइस, आई एम नॉट इन द मूड टू टेक पंगा विद एनीवन. आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन एनी ड्रामा. मेरे को बस अपने एक कुकून में रहने दो. आई वॉन्ट टू जस्ट ले लो, हेड डाउन, डू माई वर्क एंड जस्ट गो टू स्लीप इन पीस. लाइक यू डू यू. इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी, वेल एंड गुड. इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद मी, वेल एंड गुड. मैं हर सिचुएशन में न्यूट्रल हूँ. वो लिटरली वो गाना था ना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैंने उसको कुछ ज्यादा ही अपनी बॉडी में बिल्कुल ऐसे समा लिया है बिकॉज आई एम जस्ट रियली रियली इन अ हैप्पी प्लेस एंड मैं इसी स्टेट में रहना चाहती हूँ. आई डोंट वॉन्ट कि मेरा ये जो ऐसे फ्लो चल रहा है उसको कोई भी आके डिस्टर्ब करे. सो जब ऑथेंटिक पीपल रिजेक्ट हो रहे थे एंड इन ऑथेंटिक पीपल 1.5 लाख दे के बाय कर रहे थे ब्लू टिक, तब किसी ने इस चीज के बारे में आवाज नहीं उठाई. एंड जब इंस्टाग्राम ने इस चीज को स्ट्रीमलाइन कर दिया कि अगर आपको पैसा देना ही है तो हमको दे दो जिस ऐप पे आप अपना कॉन्टेंट डाल रहे हो, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है. I don't believe in this kind of caste system. And अब ना blue tick का वो system ही बदल गया है. पहले वो verify करने के लिए होता था कि एक popular personality है which is well searched and इन्होंने कुछ authentically काम करके अपना एक blue tick वो एक status हासिल किया. But now it is not a status anymore. It's just to verify your identity. जिन लोगों को मिल रहा है मैं उनके लिए actually बहुत खुश हो रही हूँ because I know कि जो मेरे जितने भी creator friends हैं ना वो बहुत साल पहले से deserve करते हैं blue tick. जिसका content creation से कोई relation नहीं है वो भी verify होना चाह रहा है. अगर उसको उससे खुशी मिल रही है तो आपको क्या problem है यार? 700 रुपए दे के सब खुश हो रहे हैं, सबकी खुशी में आप क्यों सॉल्टी बन रहे हो? आई हैव नो आइडिया. सो दैट वॉज माई 2 सेंट्स ऑन द वेरिफिकेशन थिंग. आई रियली डिडंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट ऑन इंस्टाग्राम. लोग ना उसको बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं. सो आई थॉट कि लाइफ अपडेट वीडियो में इसके बारे में भी बात कर लेंगे क्योंकि मैं जब Q&A वगैरह इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी ना तो बहुत सारे आते थे कि व्हाट्स योर टेक ऑन दिस. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू एड्रेस इट इन दिस वीडियो ओनली. बाकी आगे मेरे फ्यूचर के प्लान्स ये हैं कि बर्थडे मंथ आ रहा है, आज 30 जून आई थिंक, एंड उसके बाद अब जुलाई स्टार्ट हो रहा है. सो आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रॉमिसेस बिकॉज इस साल आई डोंट नो. I'm gonna turn 29 and मुझे एज से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता. I'm really excited actually to be 30 and just enter my 30s. But I'm not really excited to celebrate my birthday this year. But I'm a very flaky person. Like who knows कि 28 तारीख तक आते आते मैं फिर से excited हो जाऊँ. So मेरी guarantee कोई नहीं है इस मामले में. इस time पे मैं बिल्कुल excited feel नहीं कर रही हूँ. So that is why we're not having a birthday month series sort of thing. I will upload on Tuesdays and Fridays सुबह सुबह 11 बजे. And I'm not promising कि हर दिन कोई piece of content आएगा. But अपनी तरफ से मैं try जरूर करूँगी कि हर दिन एक पीस ऑफ कॉन्टेंट आए. एंड में आई जस्ट वॉन्ट कंक्लूड बाय सेइंग दैट आप लोग मेरी लाइफ अपडेट में ट्यून इन करते हो, मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हो, या जो भी बंदा इस वीडियो को इस टाइम भी यहां तक देख रहा है, मेरी फिक्र करता है, आई एम जस्ट रियली रियली थैंकफुल फॉर यू गाइज. आई नो हम सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स कहते हैं कि आई लव यू गाइज, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू गाइज, आई अप्रिशिएट यू गाइज, बट टू दैट आई वॉन्ट टू एड दैट मैं आप लोगों की दिल से यहाँ अंदर से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ. आई फील लाइक रिस्पेक्ट इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग जो हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है. इवन इफ आप किसी से प्यार करते हो ना अपने रिलेशनशिप में,
आफ्टर दैट लव एंड हनीमून फेज हैज पास्ड, आपको एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए. एंड आई रिस्पेक्ट यू गाइस सो मच बिकॉज आई नो कि किसी का कोई बनता ही नहीं है हिसाब के कोई मुझे देख के मेरी लाइफ संवारने की कोशिश करे, कोई इतना प्रे करे कि हाँ ये लड़की दुखी है, ये लड़की की लाइफ अभी इस मुकाम पे है, क्या पता इसका मेरी एक वीडियो देखने से, मेरी एक एड देखने से लाइफ बन जाए. एंड आप लोग ऐसा सोचते हो, आप लोगों ने हमेशा मुझे अपने घर की लड़की माना है कि हमारे घर की अपनी फैमिली की लड़की है जो नाम रोशन कर रही है, वैसे टाइप की वाइब मुझे आती है. जितने मेरे को डेली पे डीएम्स और मैसेजेस ही आते हैं ना, उससे ही मेरा हार्ट यहाँ ऊपर तक ऐसे फुल हो जाता है, मैं इतनी ओवरवेल्म फील करती हूँ. एंड मुझे नहीं समझ आता कि मैंने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए हैं, मेरे को इतनी सारी तादाद में लोग मिले हैं जो कलेक्टिवली मेरा अच्छा चाहते हैं, मेरी फैमिली का अच्छा चाहते हैं, रवि को इतनी दुआएं भेजते हैं. आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई कन्वे टू यू गाइज कि मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आई होप आपके 3-4 स्नैक अभी तक खत्म हो गए हो. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. अभी 1 तारीख से रोज मैं अपलोड करने की जरूर कोशिश करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.